सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, जैसे ब्रजवासियों को गोवर्धन लीला के बाद ये एहसास हुआ कि ठाकुर जी में भगवान का अंश है, उसी प्रकार जब मथुरा तक ये बात पहुंची, कंस तक ये बात पहुंची कि एक 5 वर्ष के बालक ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया है, कंस समझ गए कि मेरा काल यही है, यही बालक मेरा काल है। अब कंस का प्रेम यहां जागता है, अक्रूर जी से कहते हैं कि मुझे एक यज्ञ करवाना है और उस यज्ञ में परिवार के सारे सदस्य होने चाहिए, तो आप वृंदावन जाएं और मेरे दोनों भांजे कृष्ण और बलराम को लेकर आइए। अक्रूर जी समझ गए कि ये प्रेम तो हो नहीं सकता, बात कुछ और है, पर राजा का आदेश हुआ है तो पालन तो करना पड़ेगा। जाते हैं, नंद बाबा के घर पहुंचते हैं, शाम का समय था। इस समय को हम गोधूली बेला कहते हैं, शाम का समय होता है, पूजा का समय होता है। ठाकुर जी और सब गैया कर घर वापस लौट रहे होते हैं। नंद बाबा अक्रूर जी को बैठाते हैं, उनसे बातें करते हैं, पर अभी तक ये पूछा नहीं कि आने का कारण क्या है, अक्रूर जी भी नहीं बताया। उन्होंने सोचा कृष्ण बलराम जब आ जाएंगे तभी बात होगी। कृष्ण जी बलराम जी आते हैं, प्रणाम करते हैं। फिर नंद बाबा ने कहा, अच्छा अब बताइए तो सरी, आपका आना कैसे हुआ? अक्रूर जी ने कहा कि कंस ने एक बड़ा यज्ञ किया है, उसमें दोनों बालकों को निमंत्रण दिया गया है, तो अगर दोनों बालक आना चाहते हैं तो। नंद बाबा कुछ कहे, ठाकुर जी कुछ कहे, उससे पहले यशोदा मैया पीछे से कहती है, बालक नहीं जाएंगे, वहां राजा महाराजा रहेंगे, छोटे छोटे बालकों का क्या काम। अक्रूर जी प्रसन्न थे, उन्हें खुशी हो रही थी कि अच्छा है नहीं जाए, पर ठाकुर जी बलराम जी की ओर देखते हैं कि अब मेरी कर्म भूमि मुझे बुला रही है। ये लीलाएं काफी हो गई, पर अब जिस कारण मैंने सच में जन्म लिया था वो कार्य करने का समय हो गया है। नंद बाबा कहते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? अरे इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे, कुछ दिन में तो वापस लौट आएंगे। सबसे मिलते हैं, यशोदा मैया से मिलते, यशोदा मैया कहती है, कन्हैया जल्दी लौट आना, मैंने पहले भी कहा था तू जब तक मेरे पास नहीं रहता मेरा हृदय अपनी जगह छोड़ देता है, मुझे बहुत पीड़ा होती है। ठाकुर जी ने कहा मैं जल्दी लौट आऊंगा। यहां नंद बाबा कहते हैं कि जरूर जाएंगे। दोनों बालक तैयार होते हैं, निकलते हैं। रथ थोड़ा ही आगे बढ़ा है कि सारी गोपियां लेटी हुई है जमीन पर। सबने कहा कि कृष्ण को अगर ब्रज से ले जाना है तो हमारे ऊपर से रथ लेकर जाओ, हमारे जीते जी तुम कृष्ण को अपने से दूर नहीं होने देंगे। ठाकुर जी नीचे उतरते हैं, ठाकुर जी कहते हैं देखो तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा, पर अगर मैं नहीं गया तो मुझे बहुत दुख पहुंचेगा। गोपियां कहती है कृष्ण हम तो चाहते हैं हमारे जो सुख है वो भी तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे सारे दुख हम लेने को तैयार हैं। ठीक है चले जाओ, पर जल्दी आ जाना, क्योंकि तुम नहीं रहोगे तो ये ब्रज ब्रज नहीं रहेगा। ठाकुर जी जाते हैं, फिर थोड़ी दूर पहुंचते हैं, एक गोपी बैठी हुई है निढाल अवस्था में, मानो किसी ने आज प्राण हर लिए। कौन थी वो गोपी? राधा। ठाकुर जी उनके पास जाते हैं, राधे तुम तो सब जानती हो मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैंने अवतार क्यों लिया है, मुझे क्या काम करना है। राधा जी ने कहा मैंने आपको नहीं रोका, पर आपके बिना मेरा यहां कौन है, किसके लिए रहूं मैं। तब ठाकुर जी अपने सबसे प्रिय चीज जिसे वो सोते वक्त भी अपने से दूर नहीं करते थे, अपनी बंसी राधा जी को देकर जाते हैं। मैं जब तक नहीं तुम इसके साथ, लेकिन मैं लौट आऊंगा, जल्दी आऊंगा, मेरा इंतजार करना।
अच्छी बात है, चलते हैं। फिर थोड़ी दूर में कुछ ग्वाले मिलते हैं, वो सब साथ हो लेते हैं कि हम भी मथुरा घूम आएंगे। ठाकुर जी ने कहा चलो। मथुरा पहुंचते हैं, अब यहाँ पर अक्रूर जी को ठाकुर जी ने कहा कि आप जाइए, हम थोड़ा मथुरा घूम कर आते हैं। ग्वालों ने कहा कि कन्हैया पहले बताना था कि राजमहल जाना है, तुम अच्छे कपड़े पहन कर आते। ठाकुर जी ने कहा अब ले लेते हैं अच्छे कपड़े। सामने से एक धोबी जा रहा था, वो राजमहल का धोबी था, हाथों में राजाओं के कपड़े थे। ठाकुर जी उसे देखते उसे कहते अरे तुम्हारे हाथों में इतने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, कुछ कपड़े हमें दे दो, हम उसका मोल चुका देंगे। उसने कहा कि मैं राजमहल का धोबी हूं, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है कि राजमहल के कपड़े मांग रहे हो। ठाकुर जी ने कहा तो तुम धोबी हो, तुम्हारी खोज तो मुझे राम अवतार से है। राम अवतार में बहुत मनमानी की तुमने, और ठाकुर जी उस अवतार का बदला इस अवतार में निकालते हैं और उस धोबी का उद्धार करते हैं, कपड़े लेते हैं। अब वो कपड़े पहन रहे हैं तो कपड़े तो कंस के हैं। कंस बहुत महाराज, पहले तो जो पुरुष जैसे भीम हुए, ये पांडव होते थे, कौरव ऊंचे पूरे, उनका शरीर विशाल होता था। ठाकुर जी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सारे कपड़े ढीले आ रहे हैं। अब ठाकुर जी कैसे वहां हर भक्त का उद्धार कर रहे हैं, उद्धार यानी अपने धाम भेज रहे हैं। थोड़ी दूर जाते हैं, एक दर्जी बैठा हुआ था, उससे कहते भाई हमारे कपड़े ठीक से सील दो, वो कपड़े ठीक करता है, उसका उद्धार करते हैं। फिर थोड़ी दूर जाते हैं तो ब्रजवासियों ने, ग्वालों ने कहा कि कुछ मालाएं मिल जाती तो अच्छा लगता, पहले मालाओं का बहुत चाव था, अब नहीं है, पर पहले मालाओं का बहुत चाव था। अगर हम कोई सत्संग मंदिर में जाए और वहां माला मिल जाती तो जो प्रसन्नता होती थी। और कितने ऐसे भक्त हैं मैंने देखा है जो कई बार अगर उन्हें कीर्तनों में माला नहीं मिलती थी तो वो रास्ते से खरीद के घर जाते थे और कहते थे भाई कीर्तन में हमें माला पहनाई गई है। वो चाव था मालाओं का, बहुत बड़ी बात थी अगर माला किसी ने पहना दी थी। तो ग्वालों ने कहा कि भाई कुछ मालाएं मिल जाती तो एक माली दिखता है, उससे कहते हैं कुछ मालाएं दे दो, वो मालाएं देता है, उसे भी ठाकुर जी उसका कल्याण करते हैं। फिर थोड़ी दूर जाते हैं तो एक महिला जा रही है, उसका नाम था कुब्जा। उसके तीन अंग टेढ़े थे, पीठ में कुबड़ निकला हुआ था, झुका हुआ शरीर। ठाकुर जी को देखती है, ठाकुर जी कहते हैं कि आप ये चंदन ले जा रही हो, ये थोड़ा चंदन हमें भी दे दो। ठाकुर जी का रूप देखकर वो कहती है दूंगी नहीं, अपने हाथों से लगाओ। ठाकुर जी ने कहा लगाओ। अब ठाकुर जी जानबूझ के ऊंचे हो रहे हैं और वो कोशिश कर रही है उठने की, पर शरीर साथ नहीं दे रहा। फिर ठाकुर जी ने अपना एक पैर उसके एक पैर पर रखा, हाथ पकड़ा और जोर से झटका दिया, उस कुबड़ को ठीक किया, वो तीन अंग जो टेढ़े थे उन्हें ठीक किया, पूरे तरीके से उसे स्वस्थ बनाया। उसने अपने हाथों से ठाकुर जी के मस्तक पर चंदन लगाया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ठाकुर जी यहाँ पर बलराम जी से कहते हैं कि अब चलते हैं राजमहल। राजमहल के द्वार पर एक धनुष लटका हुआ था, वो धनुष कंस ने लटकाया था, क्योंकि जो उस धनुष को तोड़ देगा वही कंस का काल होगा, और किसी में इतना बल नहीं था कि उस धनुष को हाथ भी लगा सके। ठाकुर जी जाते हैं, उस धनुष को देख रहे हैं, बलराम जी इशारा करते हैं कि कार्य शुरू कर दो। सामने सारे सैनिक खड़े हैं, देखकर हंस रहे हैं कि बालक धनुष को तो ऐसे देख रहा है जैसे बड़ा उठा लेगा। ठाकुर जी ने धनुष को इस प्रकार तोड़ दिया मानो कोई छोटा सा बालक एक छोटी सी टहनी को खेल खेल में तोड़ देता है ना, उन्होंने उस धनुष को तोड़ दिया। धनुष टूटते ही भयंकर आवाज होती है, कंस तक आवाज पहुंचती है। कंस समझ जाता है मेरा काल राजमहल में प्रवेश कर चुका है,
यहाँ एक पागल हाथी को भेजा जाता है। ठाकुर जी उसे उठाकर ऐसे फेंकते हैं मानो एक बच्चा चूहे के साथ खेल रहा है, उसे आगे पीछे भगा रहा है। अपने दो दैत्य भेजते हैं। बलराम जी कहते इन्हें तो मैं ही संभाल लूंगा। बलराम जी के साथ उसका युद्ध होता है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।